सारी आर्टिस्टों की आवाज निकालने के कारण में दम रहना चाहिए। देख भाई, ए जिसके बारे में तूने रोस्टिंग किया ना, उसके टैलेंट के बारे में मालूम नहीं है। ये यूट्यूब है, लाखों की अगर सब्सक्राइबर भी तेरी है ना भाई, 10 सेकंड के अंदर डिलीट भी करा जा सकता है। सनम को जुहार इसे खोए कटी कटी गुण ना जुहार तो कटी कुत यहाँ वीडियो तो इंटरेस्टिंग या आनो आप वीडियो पे नियल दा तो ऐसा हो कम चोबी नियल रूम टू टूल पे अलग बात पे बुझ गया मसे बात पे नो आप वीडियो ना ये की लाभ की बात पे नियम दा टा तो कटी कु नो ऐसा हो कम चोबी नियल रूम टू टूल पे तो कोई तो बस्की हो और कोई तो नूर कनोलेज मयूरभंज उन्हीं टकला हराम उन्हीं सुगे कोई नुका तो कॉन्ट्रोवर्सी जनाम कान और कोई तो बस्की हो उन्हीं एस्ट्राइक के एम चू कान उन्हें चैनल एस्ट्राइक हेकना से एम बला तो उन्हें टकला हराम करना है कोई मयूरभंज बला कोई नूर कॉलेज चैनल में आता है तो उन्हें एम कह दिया तो उन्हें फाइनली उन्हीं संगे गालमारा बास्की उन्हीं संगे फोन किया और गालमारा जे बोले नुआ इन स्ट्राइक दो वापस रुवड़ता तो उनका उन्हें फोन किया और उन्हें कॉल कर ये बोर है बोर किया से उन्हें बास्की इन बोर चीना बोरिंग चीना हम तो बम बड़ा टैलेंट होना चाहिए नुआ ना जानकारी होना चाहिए ये कोई बोली दिया जे बोले हम तो चेम बड़ा नुआ चाहे रोस्टिंग आम चेम बड़ा उनकान और कथा कुली दिया मजाक उड़ाव किया आम सामने रे मतलब उन्हें लाइव रे आपे आजम चुपिया बास्की अबुआ कॉल रिकॉर्डिंग मयूरभंज वाला टकला हराम उनकिन बनार आपे आजम चुपिया तो वीडियो एत मुझे भी कुरुम टू तुम पे अखोई टकला हराम चेदा एक्सट्रा खे एमा दिया। हेलो, हाँ बोलिए। ओ नूरुल साहब बोल रहे हैं, नूरुल इस्लाम जी। जी जी जी, हाँ सर, हम बास्की बाबू बोल रहे हैं। बास्की बाबू सर, स्ट्राइक दे दिए ना आज। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ, धनबाद से, झारखंड। अरे अरे अरे, जोहार कंके जोहार, कैसे हैं आप? हाँ जोहार जोहार, कैसे हैं भाई? ठीक है। ये आपको रोस्टिंग के बारे में ये आइडिया आपको किसने दिया? रोस्टिंग के बारे में हल्का फुल्का सर कर लेते हैं, उतना तो हार्ड तो नहीं होता है मेरे हिसाब से। जहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे बोलना चाहिए तो बोलते हैं। अरे भाई साहब, ये हमको बताइए कि रोस्टिंग का मतलब क्या होता है? रोस्टिंग का मतलब तो हम तो ये समझते हैं कि जैसे कोई अगर भूल कर रहा है यूट्यूब में, अगर कोई गलत बोल रहा है समझने की कोशिश करो। अगर अपने पास कुछ भी टैलेंट रहता है ना, तब अपनी टैलेंट को दिखाने की कोशिश करो। मुंह को बांका करके मिरर के सामने कभी डराना आते हुए काम मत किया करो। टैलेंट होना चाहिए अपने अंदर किसी को रिस्किंग करने के लिए, सारी आर्टिस्टों की आवाज निकालने के कारण में दम रहना चाहिए। सुनना भाई, मुझसे रोस्टिंग नहीं होता बेटा, जिसके बारे में तूने रोस्टिंग किया। देख भाई, ए जिसके बारे में तूने रोस्टिंग किया ना, उसके टैलेंट के बारे में मालूम नहीं है। ये यूट्यूब है, लाखों की अगर सब्सक्राइबर भी तेरी है ना भाई, 10 सेकंड के अंदर डिलीट भी करा जा सकता है। हाँ गूंगे साहब, नमस्ते, कैसे हैं, क्या बात करना चाहते हैं? दिल है के मानता नहीं भाई साहब, रोस्टिंग कर लो मेरा, प्लीज मेरा रोस्टिंग कर लो। देखिए आपका धनबाद में रह करके एग्जैक्टली मैंने आपसे इतना प्यार कर लिया हूँ कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ। आपकी रोस्टिंग, आपकी थोबड़ा देखने से मुझे इतना प्यार आता है ना भाई, इसी को रोस्टिंग कहते हैं। जो बाप उम्र का आदमी होता है ना भाई, उसको रीजनों की तरह रोस्टिंग नहीं करा करते। जिंदगी में अगर किसी को कभी रोस्टिंग करोगे ना, अपने टैलेंट बना करके करने का, 10 सेकंड नहीं लगता है। हाँ भाई, किसको रोस्टिंग कहते हैं भाई? भाई जब किसी तजुर्बा वाले लोगों के लिए आप रोस्टिंग करोगे ना, तो फिर अपना टैलेंट दिखाओ भाई। आप लोग नया टैलेंट हो, आप लोग नौजवान पीढ़ी हो भाई। समझते हैं ना? क्या बोले अपना नाम? मेरा नाम, चैनल का नाम बास्की बाबू है। हाँ हाँ बाबू साहब, बाबू साहब जब आप टैलेंट बनाओ, हम लोग का उम्र हो गया आप लोगों को सहाय करना, आप लोगों के सहमति में काम करना, ये हमारी हमको बहुत। अगर कुछ भी कमी, सारी देखिए हमारे पास भी कमी है, आपके पास भी कमी है, भगवानों में भी, या जब इंसान बन के आए उनमें भी लोग कमी ढूंढा, कमी ढूंढना तो बहुत अच्छी बात है भाई।
लेकिन इस तरह मत ढूंढो जिस तरह नहीं ढूंढना चाहिए। अब क्या चाहते हो, मैं विड्रॉ कर लूं तो कर देता हूँ, अभी क्या बात है उसमें। हाँ सर, हाँ मेरे बेटे उम्र से भी छोटे हो यार। हाँ बात तो सही है सर, आप मेरे बेटे उम्र से छोटे हो। हाँ। गलत ये किए कि बाप नहीं समझ पाए। हाँ 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 सर, गलती इंसान से गलती होता है ना सर। हाँ इंसान से ही गलती होता है, लेकिन बच्चों से गलती होना, पिता समान एक व्यक्ति को इस तरह के बातें करना, आपको इतना मालूम है कि मैं नूरुल इस्लाम हूँ, मेरे आवाज में आज हेमंत सोरेन ने विड्रॉ कर लिया, सर्टिफिकेट आपको मिला तो नहीं मालूम था। स्टैंडर्ड वन से स्टैंडर्ड फाइव के अंदर की जो ऑल्ची की शिक्षा के लिए बाध्यतामूलक किया गया था वो विड्रॉ हुआ बोल के मालूम है ना आपको? कैसे हो गया भाई विड्रॉ? किसके बारे में बोले? अरे आप रिकॉर्ड में मेरे भी हो। हाँ हाँ हाँ, सुनते रहे हो ना भाई। कि आज डुमका सॉरी सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी से जो डिमांड उठी थी वो डिमांड को झारखंड सरकार ने माना बोल के, ये आपके पास खबर है? हाँ हाँ खबर है। इसके बारे में एक रोस्टिंग आके मुझे दिखा दीजिए, मैं मेरी जो स्ट्राइक है वो विड्रॉ इमीडिएट कर लूंगा। डुमका कॉलेज में हेमंत सोरेन ने क्या स्टेप लिया, इसकी रोस्टिंग आप दिखा दीजिए। रोस्टिंग तो उसमें हो सकता है लेकिन अभी तो फिलहाल हो नहीं सकता डियर। आपने यूट्यूब का अब मैं 6 चैनल को डिलीट करने वाला हूँ। अच्छा, 6 चैनल डिलीट होंगे, 6 चैनल के ऊपर 3-3 स्टेट से मानहानि लगाया जाएगा। अच्छा 6 चैनल सर, मानहानि नॉट लेस देन 30 लाख। अच्छा 6 चैनल 30 लाख करके एक मानहानि, और आप महीना भर उड़ीसा हाईकोर्ट, रांची हाईकोर्ट एंड अलीपुर वेस्ट बंगाल हाईकोर्ट को घूमते रहोगे। जजमेंट तुम्हारे फॉर्म में आ सकता है, लेकिन आपने पब्लिकली किसी को की मानहानि करने की हक भारतीय संविधान किसी को नहीं दिया है। समझने की कोशिश करो और घर में बड़ा आईना रखा करो। आप बेटा समान आदमी हो, मैं आपको थोड़ा एक एडवाइस देता हूँ, एक बड़ा साइज का आईना घर में रखा करो और चेहरा को डेली थोड़ा देखा करो। ठीक ठीक। हाँ, आईना के सामने खड़ा हो जाओ और चेहरे को देखो, किस तरह मुंह करूंगा, किस तरह बात करूंगा, मैं कितना अच्छा लगूंगा, थोड़ा रिहर्सल भी किया करो। ओके भाई, ओके अच्छा ठीक है, मैं विड्रॉ कर लूंगा आपका स्ट्राइक, विड्रॉ कर लूंगा। ओके थैंक यू। ठीक है सर, वही वही सर, वही रिक्वेस्ट।